आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय बढ़ाना हो, घर बनाना हो या कुछ और, आपके दिमाग में ये थॉट आता है, मुझे ये चाहिए। और जब ये थॉट आता है, तब आप अपनी एनर्जी को एक्शन के माध्यम से उस इच्छा की ओर फोकस करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से वो थॉट रियलिटी में बदलता है। इस दुनिया में कुछ लोगों के काम करने का तरीका यही है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने थॉट को एनर्जी देना नहीं जानते। थॉट अपने आप में एक एनर्जी होती है, और आपकी एनर्जी में अगर थोड़ी सी भी ताकत होती है तो आप स्थिर बैठकर अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इसमें मास्टरी नहीं है तो आप उस एनर्जी को वापस अपनी तरफ नहीं ला सकते, और इस तरह से आप अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर किसी की इच्छा एक निश्चित सीमा से परे है तो वो इच्छा पैदा होते ही ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर लोगों की इच्छा चंचल होती है, आज वो कुछ और चाहते हैं और कल उनकी इच्छा बदल जाती है, और इसी तरह से उनकी इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। जब आपका दिमाग केवल एक चीज़ पर फोकस करता है, यानी जब आपका मन एकाग्र होता है, तब वो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर समय लोगों के साथ ये फोकस पॉजिटिव तरीके से नहीं बल्कि नेगेटिव तरीके से होता है। क्रोधित मन और वासनापूर्ण मन एकाग्र चित्त यानी सिंगल पॉइंटेड माइंड होता है। यानी जब आपका मन क्रोध से एकाग्र हो जाता है तब ये आसानी से प्रकट हो जाता है। तो चलिए थॉट जनरेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। जब आपके दिमाग में अनकॉन्शियस तरीके से कोई थॉट आता है तब ये एक मेंटल डायरिया जैसा होता है। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये थॉट आपको इसीलिए दिखता है क्योंकि आपके दिमाग में पहले से गंदे विचार होते हैं। ये इस तरह से है जैसे कि जितना खराब भोजन आप खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका दस्त बढ़ता जाता है, और मानसिक दस्त होने की वजह से आप इसे थॉट नहीं कह सकते। एक बार एक महिला ने कुछ दोस्तों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने रात का खाना परोसा और फिर अपनी 6 साल की बेटी से कहा, खाना खाने से पहले तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती? बेटी ने कहा, मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे कहा जाता है। माँ ने कहा, मैं जो कहती हूँ वही दोहराओ। तो लड़की ने बहुत ही धार्मिक रूप से अपना सिर झुकाया, अपने हाथों को एक साथ रखा और कहा, इस धरती पर मैंने इन सभी लोगों को रात के खाने के लिए क्यों आमंत्रित किया? क्या ये बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं? आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन आपका मन बहुत सी बातें कर रहा है। यदि आप ब्लैक बोर्ड में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे साफ करना होगा, तभी आप स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे। अगर उस पर ढेर सारी बातें पहले से लिखी जा चुकी हैं और आप उस पर कुछ और लिखते हैं तो कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय के बाद आप भी नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को खाली करना होगा और कॉन्शियसली अपने दिमाग में थॉट्स लाने होंगे, क्योंकि केवल कॉन्शियस थॉट को ही एनर्जी से भरा जा सकता है। और यदि आपने कॉन्शियस तरीके से अपने दिमाग में थॉट लाया है और अगर वो एकाग्र यानी सिंगल पॉइंटेड है तो वो थॉट खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेगा और वो थॉट अपने आप रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका अपनी एनर्जी पर कंट्रोल है तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो कुछ भी हमने इस पृथ्वी में बनाया है, सबसे पहले उसे अपने दिमाग में क्रिएट किया है, उसके बाद ही उसे रियलिटी में बदला है। और अगर आप चिंतित हैं कि आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के थॉट्स को बदलना होगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग के थॉट्स आपकी इच्छा से परे हैं तो जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जब आपका दिमाग, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी और एनर्जी एक दिशा में काम करती है, तब आप बिना एक उंगली उठाए जो कुछ भी चाहते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। आप अपने एक्शंस के द्वारा उसे मैनिफेस्ट होने में मदद कर सकते हैं, और बिना कोई एक्शन लिए भी आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने दिमाग, इमोशंस, बॉडी और एनर्जी को एक निश्चित समय के लिए केवल एक दिशा में फोकस करते हैं। आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और उनको उम्मीद से ज़्यादा मिला, और ये वही लोग होते हैं जिनके मन में पूर्ण विश्वास होता है। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं और उस घर को बनाने के लिए आपको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, और आप देखते हैं कि आपके पॉकेट में तो केवल 50 रुपए हैं, तो आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। और जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, उसी वक्त आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक लेवल पर आप ये डिज़ायर क्रिएट कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, और दूसरे लेवल पर आप ये बता रहे हैं
कि वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। इस संघर्ष की वजह से वो इच्छा कभी हकीकत में नहीं बदलती। आस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो सरल दिमाग वाले होते हैं, और ये उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक बच्चे दिमाग वाला इंसान जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था होती है, वो मंदिर जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे ये घर चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन कुछ भी करके आपको इसे मेरे लिए बनाना होगा। उसके मन में केवल विश्वास होने की वजह से उसके दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। उसे पूरी तरह से विश्वास होता है कि भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान आकर आपके लिए घर बनाता है? बिल्कुल नहीं। भगवान आपका घर बनाने के लिए एक छोटी उंगली भी नहीं उठाता है। आप जिसे ईश्वर कहते हैं, वो पूरी सृष्टि का स्रोत है, और भगवान अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो जैसा आप सोचते हैं, तो बताओ कि आप अपनी इच्छा पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका थॉट कितना स्टेबल है, और आपको अपने थॉट प्रोसेस में कितनी श्रद्धा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका थॉट रियलिटी में बदलेगा या फिर वो केवल एक खाली थॉट बनकर ही रह जाएगा। क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति तय करती है कि क्या पॉसिबल है। आपका काम है केवल वही सोचना और देखना जो आप चाहते हैं, और आपको उस इच्छा को रियलिटी में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट बहुत ही पावरफुल तरीके से क्रिएट होता है और कोई नेगेटिव थॉट उस थॉट की इंटेंसिटी को कम नहीं करती है, तो वो थॉट डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है। अगर आप खुद को पूरी तरह से संभाल लेते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर तनाव में नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है। आजकल मॉडर्न साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि इस दुनिया की सभी चीज़ों में एक वाइब्रेशन होती है। उसी तरह से आपके थॉट में भी एक वाइब्रेशन है। अगर आप अपने दिमाग में एक शक्तिशाली थॉट क्रिएट करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, तो वो थॉट जरूर मैनिफेस्ट होता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग आस्था को नेगेटिव थॉट को दूर करने के साधन के रूप में देखते हैं। हम इंसान सोचने वाले जीव हैं। जब हमारे मन में विश्वास कम होता है, तब संदेह पैदा होता है। मान लीजिए अगर भगवान आपके सामने प्रकट भी हो जाता है, तो भी आप जांच करना चाहेंगे कि वो वास्तव में भगवान है भी या नहीं। इस तरह के मन से आपको अपना समय विश्वास करने पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। अगर आप किसी चीज को बनाने के लिए खुद से कमिटमेंट करते हैं, जिसकी आप वास्तव में चिंता करते हैं, तब आपका थॉट अपने आप इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है, जब कोई मायने नहीं रखता कि वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं, और आपके थॉट प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आती है। आपका थॉट अपने आप उस दिशा में जाने लगता है जो आप चाहते हैं, और जब एक बार ऐसा होता है, तब वो इच्छा नेचुरली मैनिफेस्ट होने लगती है। जिस चीज़ को बनाने की सच में आप चिंता करते हैं, उसे रियलिटी में बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उसे मैनिफेस्ट करना होगा। आपको अपने दिमाग में सोचना होगा, क्या मैं वास्तव में यही चाहता हूँ? आपको उसे अपने दिमाग में देखना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों के बारे में सोचा होगा, और जिस मोमेंट पर आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको लगता है ये सही नहीं है। फिर आप अगले थॉट के बारे में सोचते हैं, फिर अगले थॉट के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और जब ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है, तब आप उसे क्रिएट करने के लिए कमिटेड होते हैं, और उस दिशा में आपकी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जब आप बिना दिशा बदले अपने थॉट्स का फोकस अपनी इच्छा पर रखते हैं, तब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों का यही काम है। इस पृथ्वी में इंसान के अलावा बाकी जीव जंतु का काम हर दिन वही रहता है। जीव जंतु केवल अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार काम करते हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, तो आप उन जीव जंतु से कुछ बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं। आप पैदा होते हैं, वे पैदा होते हैं। आप बड़े होते हैं, वे भी बड़े होते हैं। आप जन्म लेते हैं, वे भी जन्म लेते हैं। आप मरते हैं, वे भी मरते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन हम इन सभी साधारण चीज़ों को कॉन्शियस तरीके से सोच समझ कर सकते हैं, और यही इंसान होने की खास बात है। अगर ये हाथ कॉन्शियस होता, तो ये वही करता जो ये चाहता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस तरीके से सोचते हैं, तो आपका हाथ वही करेगा जो आप चाहते हैं। यदि आपका विचार वही कर रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। और अगर आप खुश रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी सुख की खोज में कभी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी एक शेर की तरह है, जो हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता है।
और आपकी इच्छा एक हिरण की तरह है, जितना आप उसका पीछा करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगी। जब आप जानते हैं कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो आप हमेशा ठीक रहेंगे, तब आप स्वाभाविक तरीके से सब कुछ शानदार ढंग से करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपके मन में कोई चिंता नहीं होती है आप बिना किसी प्रयास के वही करेंगे जो आवश्यक है। जिसे कोई दूसरा व्यक्ति एक महान उपलब्धि समझता है आप उसे बड़े आराम से खुशी खुशी और मस्ती के साथ हासिल कर लेंगे।